हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबसे पहले तो आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल माय साइंस एकेडमी पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें हमने कुछ इंटरमीडिएट्स का डिस्कशन कर लिया था, जिसमें से एक इंटरमीडिएट रह गया था। उस इंटरमीडिएट का आज डिस्कस करेंगे, वो है इंटरमीडिएट बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट का डिस्कशन करने वाले हैं। हम बेंजाइन इंटरमीडिएट को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बेंजाइन इंटरमीडिएट होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा कोई भी एक कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है, एक बेंजीन कंपाउंड है। ठीक है, यहां पर देखिए तो इसकी सभी ऑल पोजीशनों पर हाइड्रोजन एटम क्या है, उपस्थित है। ठीक है, यदि इन दोनों हाइड्रोजनों का मैं क्या कर दूं, इलिमिनेशन कर दूं, तो यहां पर टू हाइड्रोजन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, और इन दोनों कार्बन के मध्य एक नए पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखिएगा किस प्रकार से एक नए पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसे ही बोलते हैं हम बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, जबकि ये है हमारा बेंजीन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां से हम बेंजाइन इंटरमीडिएट की परिभाषा निकाल सकते हैं कि हम 1,2-V हाइड्रोबेंजीन को ही क्या कहा जाता है, बेंजाइन कहा जाता है। कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं, 1,2-V हाइड्रो बेंजीन को हम क्या कह सकते हैं, बेंजाइन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर 1,2 पोजीशन से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1,2-V हाइड्रो बेंजीन को ही क्या कहा जाता है, बेंजाइन कहा जाता है। या इस 1,2-V हाइड्रो बेंजीन या इसके डेरिवेटिव को या इसके व्युत्पन्न को भी क्या कहा जाता है, बेंजाइन कहा जाता है। तो परिभाषा बना सकते हैं 1,2-V हाइड्रोबेंजीन व इसके व्युत्पन्न को ही क्या कहा जाता है, बेंजाइन कहा जाता है। यदि हम बात करें तो बेंजाइन को हम एराइन भी कहते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, एराइन के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक हो गया। यहां से हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें त्रि आबंध उपस्थित होता है, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड को हम बेंजाइन कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं, यदि यहां पर सूत्र के द्वारा देख सकते हो, तो यहां पर देखो इस बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। यदि यहां पर 1,2-V हाइड्रो इलिमिनेशन कर दें तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, C6H4। तो ये तो किसका फॉर्मूला होगा, बेंजाइन का, और ये किसका फॉर्मूला होगा, बेंजीन का। ये तो बेंजीन का फॉर्मूला हो गया,
और ये होता है बेंजाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि यहां पर ये जो बेंजाइन है ये क्या कहलाता है, 1,2-V-hydrobenzene को ही क्या कहा जाता है, बेंजाइन कहा जाता है। ठीक है, बेंजीन का जो ये त्रिबंद होता है ये बहुत ही तनाव युक्त होता है। यदि हम बात करें इस बेंजीन के इस ट्रिपल बॉन्ड की, इस त्रिबंध की, तो ये क्या होता है, बहुत ही तनाव युक्त होता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो बेंजाइन की वलय षटकोणीय ज्यामिति होने के कारण ये इसकी ज्यामिति षटकोणीय ज्यामिति होने के कारण ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये रेखीय ज्यामिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसके कारण ही क्या होता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी संरचना को हम क्या मानते हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम विकृत एसिटिलीन के समान मानते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें इस बेंजाइन की, तो इसमें क्या होता है, त्रिआबंध उपस्थित होता है। यहां पर देखें तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो होता क्या है, यहां पर ये हमारे पास, ठीक है, क्या है, बेंजीन, यहां पर फॉर्मेशन होता है, या आप इसे ऐसे दर्शा सकते हो, इस प्रकार से क्या होता है, बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां पर देखिए तो क्या होता है, इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसे तो हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, और इसे कहते हैं हम एरोमेटिक पाई बॉन्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये तो क्या होता है, एरोमेटिसिटी जनरेट करता है ये तो पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड इन दोनों हाइड्रोजनों के एलिमिनेशन से क्या होता है, प्राप्त होता है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करें ये जो पाई बॉन्ड बनता है बेंजाइन में, ये जो नया पाई बॉन्ड बनता है ये क्या होता है, बेंजीन की दो निकटवर्ती पोजिशनों से हाइड्रोजन के इलिमिनेशन के द्वारा प्राप्त होता है। या हम कह सकते हैं कि जो ये बेंजीन है इसकी दो निकटवर्ती ये जो sp2 संकरित कक्षक हैं, इन दोनों संकरित कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से किसका फॉर्मेशन होता है, इस नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या आप कह सकते हो कि बेंजीन की निकटवर्ती दो sp2 संकरित कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से ही नए पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां पर बात करें तो ये बेंजाइन क्या होता है, ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, बेंजाइन क्या होता है, एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट होता है। इसकी बात करें
यह बेंजीन की इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? यह बेंजीन की दो ऑर्थो स्थितियों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापियों को हटाकर क्या किया जाता है, इसे बनाया जाता है। बेंजीन को किस प्रकार से बनाया जाता है? बेंजीन की दो ऑर्थो स्थितियों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापियों को हटाकर इसे बनाया जाता है। ठीक है, यहां तक यदि हम बात करें तो क्या होता है यहां पर, यहां पर हाइड्रोजन एटम होता है तो एक तो हाइड्रोजन निकलता है इलेक्ट्रॉन इसने ही के रूप में, जबकि सेकंड होता है ये निकलता है नाभिक इसने ही के रूप में। कहने का मतलब जब बेंजीन का फॉर्मेशन होता है तो दो हाइड्रोजन का क्या होता है, इलिमिनेशन होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में निकलता है और दूसरा हाइड्रोजन क्या होता है नाभिक स्नेही के रूप में निकलता है। ठीक है, यदि हम बेंजाइन की बात करें तो ये क्या होती है, ये हाईली अनस्टेबल होती है और हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है, यदि हम बात करें इस बेंजाइन की तो ये इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, बेंजाइन का फॉर्मेशन कहां पर होता है, इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां तक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेंजाइन मेथड्स। बेंजाइन को किन किन मेथडों के द्वारा बनाया जाता है, बेंजाइन बनाने की विधियां। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो बेंजाइन को किसके द्वारा बना सकते हैं, बेंजाइन को हम बना सकते हैं एरिल हैलाइड के द्वारा। ठीक है, एरिल हैलाइड के द्वारा बेंजीन का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, यहां पर देखो हमारे पास ये कोई भी एरिल हैलाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaNH2, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर हमें बेंजाइन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है, यहां पर बेंजाइन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां पर बेंजाइन का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, यदि यहां पर देखें तो इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है कि नहीं, ये CH बॉन्ड के बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये Cl यहां से बाहर निकल जाएगा। ये किसके रूप में निकला, HCl के रूप में, ये H+ के रूप में और ये Cl नेगेटिव के रूप में, तो ये क्या बनेगा NaCl कंपाउंड निकलेगा और यहां पर क्या निकलेगा NH3 अमोनिया गैस रिलीज होगी। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड मेथड देखें तो एंथ्रानिलिक एंथ्रा
निलेक अम्ल के तापीय अपघटन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, इसे बोलते हैं एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव क्या करता है, बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहां पर माइग्रेट करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है और ये बाहर निकलता है। तो यहां पर क्या निकला, यहां पर फॉर्मेशन होता है बेंजाइन का, यहां पर CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये था सेकंड मेथड, एंथ्रानिलिक अम्ल के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, वापस से एक बार रिकॉल कर रहा हूं, बेंजाइन बनाने की विधियां में पहला मेथड है एराइल हैलाइड के द्वारा। यदि एराइल हैलाइड की रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं सोडामाइड के साथ, तो हमें बेंजाइन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। इस प्रकार से बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड मेथड है हमारा एंथ्रानिलिक एसिड के तापीय अपघटन द्वारा। जब हम एंथ्रानिलिक एसिड का तापीय अपघटन करते हैं तो भी हमें बेंजाइन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ। थर्ड मेथड है अपना डाई हैलो यौगिकों के द्वारा ठीक है, डाई हैलो कंपाउंडों से भी हम क्या कर सकते हैं, बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा, यदि हमारे पास ये डाई हैलो कंपाउंड है, यदि इसकी रिएक्शन हम लिथियम HG के साथ करवाते हैं तो यहां पर हमें बेंजाइन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन तीन प्रक्रमों के द्वारा आप बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेंजाइन की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन इंटरमीडिएट के द्वारा कौन कौन सी अभिक्रिया प्रोसीड होती हैं वो भी देख लेते हैं। यहां पर पहली रिएक्शन है द्विलकीकरण। इसे बोलते हैं डाइमराइजेशन, या इसे द्वितीयकरण भी बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब बेंजाइन इंटरमीडिएट डाइमराइजेशन रिएक्शन भी क्या करता है, प्रोसीड करता है। किस प्रकार से, यदि
हमारे पास यहां पर एक बेंजाइन का मॉलिक्यूल ये ले लिया जाए, और एक बेंजाइन का मॉलिक्यूल ये ले लिया जाए। तो यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड माइग्रेट करता है इधर, और ये डबल बॉन्ड माइग्रेट करता है इधर। ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनता है, और ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में। फॉर्मेशन किसका होता है, इसे बोलते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर फॉर्मेशन होता है इस कंपाउंड का। ठीक है, सेम ऐसे कैसे इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम बेंजाइन की। बेंजाइन में न्यूक्लियो फाइल का संयोग, ठीक है, ये किस प्रकार से होता है इसे भी समझ लो। सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास कोई भी बेंजाइन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम। ये डबल बॉन्ड यहां पर OH नेगेटिव से करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, कोई भी डबल बॉन्ड अगर इधर माइग्रेट करोगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ये OH यहां पर एडिशन हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये बना। इसके बाद इसकी क्या कर देंगे, एसिड से रिएक्शन, एस प्लस से, यहां पर एच प्लस जुड़ जाएगा और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। बनने वाला कंपाउंड क्या है हमारा, फिनोल। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और रिएक्शन देख सकते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NH2 के साथ। तो यहां पर ये बॉन्ड इधर माइग्रेट होगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से अटैक कर पाएगा और यहां पर कंपाउंड बनाएगा NH2, यहां पर नेगेटिव चार्ज, वापस से ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ये कंपाउंड है हमारा एनिलीन। ठीक है, तो ये दो प्रकार की अभिक्रिया है जो बेंजाइन इंटरमीडिएट के द्वारा क्या होती है, प्रोसीड होती है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां पर हम बात करते हैं कि बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किन किन अभिक्रियाओं में होता है। तो यहां पर देख सकते हैं हम, पहली रिएक्शन है हमारी एरिल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 के साथ। तो यहां पर हमें एमीन का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट कौन बनता है, बेंजाइन। सेकंड देखे तो हम यहां पर 340 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ करवाते हैं एक्वस KOH बेस के साथ। तो यहां पर हमें प्राप्त होता है फिनोल। ठीक है, इसके बाद थर्ड रिएक्शन देखें, ब्रोमोबेंजीन
इसकी रिएक्शन करवाएं Na(NH2) स्ट्रॉन्ग के साथ। यदि हम क्या कर दें, इसे स्टार द्वारा प्रदर्शित करें तो दो कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है ये एनिलीन और एक बनता है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो इन सभी अभिक्रियाओं में बेंजाइन इंटरमीडिएट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि बेंजाइन की कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर देखिएगा, हमारे पास दिया गया है ये। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहां पर हमें बेंजाइन इंटरमीडिएट का क्या होता है, फॉर्मेशन प्राप्त होता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं। यहां पर इसकी रिएक्शन करवाते हैं Na(NH2) के साथ, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर NH2 का एडिशन होता है और यहां पर H का एडिशन होता है। ठीक है, यहां पर करवाते हैं हम NaOH की रिएक्शन, तो यहां पर हमें प्राप्त होता है, यहां पर OH एडिशन होता है, यहां पर H। ठीक है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। यदि यहां पर करवा दें हम ट्राइफिनाइल की रिएक्शन, तो यहां पर हमें प्राप्त होता है, यहां पर होगा PS3H। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर देखें, यहां पर यदि हम करवाएं प्राथमिक एमीन के साथ, तो यहां पर डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा NHCH3 और यहां पर H का एडिशन। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें इसकी रिएक्शन करवाएं CH3Li मैथिल लिथियम के साथ, तो भी हमें कंपाउंड प्राप्त होता है ये CH3 और ये Li। इस बेंजाइन इंटरमीडिएट के द्वारा इतनी रिएक्शन या इन प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां तक समझ में आ गया, तो ये था आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट। यहां तक क्लियर है, यहां तक वीडियो समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आज इस पॉइंट तक हमारे कंप्लीट